हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल माँ बेटी ब्लॉग्स पर। बड़े दिन से हमारा मन कर रहा था मटन खाने का, तो हमने सोचा आज मटन बनाया जाए और उसकी रेसिपी आपके साथ भी शेयर की जाए। ये बहुत ही कम मसालों से बनाने वाली हूँ मैं, और आज मैं अपने हस्बैंड की भी हेल्प लूंगी इसमें। चलो करते हैं इसको स्टार्ट। इसके लिए मैंने 4 प्याज लिए हैं, 2 हरी मिर्ची ली है, 4 से 5 लहसुन की कलियां ली हैं, 1 अदरक का छोटा टुकड़ा लिया है और 2 टमाटर लिए हैं। अब मैं प्याज को लंबे लंबे स्लाइसेस में काट लूंगी। अब मैंने प्याज को लंबे लंबे स्लाइसेस में काट लिया है। अब कुकर में मैं तेल लूंगी। सरसों के तेल में ही मटन बनाए, इससे मटन का टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। तेल गरम हो गया है, अब उसमें हम कुछ खड़े मसाले डालेंगे, जिसमें मैंने लिया है लौंग, काली मिर्ची, जीरा, मोटी इलायची, हरी इलायची, दालचीनी और लाल मिर्ची। मोटी इलायची को हम कूट कर ही डालेंगे। हरी इलायची को भी कूट के डालेंगे। अब इसमें ऐड कर देंगे हम प्याज। अब प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। लहसुन, अदरक और हरी मिर्ची को हम कूट लेंगे। ये हमारी अदरक, लहसुन और हरी मिर्च की पेस्ट रेडी है। इसको हम एक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। ये मैंने मटन ले लिया है, जिसमें मैंने हल्दी, मिर्ची, नमक और हरा धनिया डाल के थोड़ा सा सरसों का तेल भी डाला है और इसको मैरिनेट करके रख दिया था। प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन हो गई है, अब हम इसमें मटन डाल देंगे। और इसको मिक्स कर लेंगे। आगे का प्रोसेस मेरे हस्बैंड करेंगे। अब मेरा यहाँ पे छुट्टी हो गई है। इस सबको अच्छे से मिक्स करना है। इसको बीच बीच में चलाते रहेंगे। ये देखिए हमारा प्याज और मटन मिक्स हो गया है अच्छे से। इसको चलाते हुए मेरे को 5 से 10 मिनट हो गए हैं। अब इसमें ये अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डाल देंगे और इसे भी अच्छे से चला लेंगे। इसको भूनते हुए मेरे को 10 मिनट और हो गए हैं। इसकी जितनी अच्छे से भुनाई करोगे उतना ही ये टेस्ट बढ़िया देगा। अभी इसका पानी सूख गया, अब इसमें मैं टमाटर ऐड करता हूँ। मैंने टमाटर की प्यूरी बना ली थी पहले ही। अब इस टमाटर की भी अच्छे से भुनाई कर लेंगे अपने मटन के साथ। मटन को टमाटर के साथ भूनते हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब इसमें जाएगी 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। इससे इसका कलर बहुत बढ़िया आएगा।
अब इसमें जाएगी आधा चम्मच हल्दी, इसको भी चला लेंगे। देखिए कितना बढ़िया कलर आ गया हमारे मटन में। मटन थोड़ा नीचे लग रहा है तो इसमें हम आधा कटोरी पानी डाल देंगे। अभी इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया, ये बहुत ही अच्छी खुशबू देगा। देखिए कितना अच्छा कलर आ गया मटन का, और अच्छे से भून भी गया है। खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है। एक चम्मच जाएगा इसमें धनिया पाउडर, और हमारा मटन ऑलमोस्ट भून ही गया है। अभी इसमें डालेंगे हम गर्म पानी। ध्यान रखो इसमें गर्म पानी ही यूज करना, ठंडे पानी से इसका टेस्ट खराब हो सकता है। पानी आप अपने हिसाब से देख लो। इस टाइम पे आके आप नमक टेस्ट कर लेना, क्योंकि हमने मैरिनेशन में भी डाला था, इसलिए मैं थोड़ा नमक अभी डाल रहा हूँ, मेरे को कुछ कम लग रहा है। अब हम कुकर को बंद करके 5 से 6 सीटी आने तक वेट करेंगे। अभी हमारी 6 सीटी हो गई है, अब हम गैस बंद कर देंगे और कुकर ठंडा होने का वेट करेंगे। कुकर ठंडा हो गया, अभी हम इसको खोल के चेक करते हैं। अरे वाह, देखो कितना बढ़िया कलर आया है इसका। एक बार चेक कर लेते हैं इस पे गला है कि नहीं। ये देखो बढ़िया से गल गया है हमारा मटन। अभी इसको थोड़ी देर और हम गैस पे रख लेंगे। इसमें आधा चम्मच मीट मसाला डालेंगे, एक चम्मच देसी घी, हरा धनिया डाल देंगे। अभी हमारा मटन ऑलमोस्ट रेडी है। देखो दोस्तों कितना बढ़िया कलर आया है, मेरा तो मन कर रहा है जल्दी से इसको खा जाऊं। चलो अब करते हैं इसकी प्लेटिंग। दोस्तों ये हो गई है मेरी प्लेटिंग, अब करवाते हैं इसको टेस्ट। चलो दोस्तों आज हम अपनी मैडम को टेस्ट करवाते हैं, और ये मेरे को करवाती है। हाँ जी महाराज, लो करो टेस्ट। चलो हमारी मेहनत सफल हुई। मुझे उम्मीद है दोस्तों आप सबको आज मेरे हस्बैंड की बनाई हुई रेसिपी पसंद आई होगी। आप भी इसे बनाइए, खाइए और कमेंट बॉक्स पे आकर कमेंट करके जरूर बताइए, और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।